स्टैंडर्ड बैंडिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन। आर्टिकल वन में वेल्डिंग जनरल रिक्वायरमेंट्स, दिस इज द वेल्डिंग जनरल रिक्वायरमेंट्स। वेल्डिंग जनरल रिक्वायरमेंट्स में QW100 रूल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन एंड वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन एंड वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है QW10 में। QW101 में क्या है कि यूज ऑफ WPS, WPS को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे ऑपरेशन फॉर प्रोडक्शन वेल्डिंग, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। इसका मैं वन बाय वन SME सेक्शन 9 के QW101-102 में जा करके देख सकते हैं। QW102 में क्या है, यूज ऑफ WPQ मतलब द परफॉर्मेंस ऑफ क्वालिफिकेशंस, बेसिक क्राइटेरिया जो दिया होता है, जो कि वेल्डर क्वालिफाई क्वालिफिकेशन जो कैसे डिटरमाइन होगा कि वेल्डर एबिलिटी टू डिपॉजिट द साउंड वेल्ड मेटल, उसकी क्या थिकनेस डिपोजिशंस है ना, ये सब के बारे में इसमें बताया गया है। एंड 103 में रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि W103.1 में वेल्डिंग जो करना है वो ऑल ऑर्गेनाइजेशन सेल कंडक्ट एंड टेस्ट रिक्वायर्ड दिस सेक्शंस टू क्वालिफाई द वेल्डिंग प्रोसीजर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेल्डमेंट्स वेल्ड अंडर द कोड्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द वेल्डर एंड वेल्डिंग ऑपरेटर हु अप्लाई दिस प्रोसीजर। इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस अगर वो कोई काम करना चाह रहा है किसी कंस्ट्रक्शंस में, किसी प्लांट्स में, तो हम इस QW103.1 का 1 के अकॉर्डिंग हम लोग वेल्डर क्वालिफाई कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स 103.2 में क्या है, रिकॉर्ड रखना, जैसे कोई भी पैरामीटर्स है उसका रिकॉर्ड रखना, से रिकॉर्ड टू मेंटेन द रिजल्ट ऑफ द वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन एंड वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। वेल्डर कैसा परफॉर्म कर रहा है उसे उसका जैसे जब हम क्वालिफिकेशन कराते हैं वेल्डर का, उसे हम सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक हो गया, कितना टाइम में कितना इलेक्ट्रोड्स कंजम्पशन कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, क्या हीट इनपुट है, ये सारा रिकॉर्ड नोट किया जाता है। वेल्ड ओरिएंटेशन, वेल्ड ओरिएंटेशंस ऑफ द वेल्ड एज पर बिलो इमेज, देखिए नीचे हमें एक इमेज है उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। QW461.1, QW46.12 and 5 and 6, QW120 एंड QW130 जो कि टेस्ट पोजीशन होता है ग्रुप वेल्ड के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो 1G, 2G, 5G and 6G, ये चार पोजीशंस में जो है वो हम लोग पाइप में वेल्डिंग क्वालिफाई कराते हैं। ग्रुप वेल्ड्स में बी मेड इन द टेस्ट कूपन्स ओरिएंटेड इन एनी ऑफ द पोजीशन एंड एंगुलर डेविएशंस ऑफ प्लस माइनस 15 डिग्री फ्रॉम द स्पेसिफाई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी वेल्डर क्वालिफाई हो रहा है पोजीशन से 1G है 2G या वर्टिकल हो या फ्लैट पोजीशन हो या ऑरिजेंटल हो या ऑब्लिक या वो 6G पोजीशन में वेल्डिंग कर रहा हो, तो वहाँ पे जो हम एंगल सेट करेंगे टेस्ट पीस का, टेस्ट कूपन का, उसमें प्लस माइनस 15 डिग्री का फ्रॉम 15 डिग्री फ्रॉम स्पेसिफाई ऑरिजेंटल एंड वर्टिकल प्लेन्स एंड एन एंगुलर डेविएशन प्लस माइनस 5 डिग्री फ्रॉम स्पेसिफाई इंक्लाइन प्लेन आर परमिटेड ड्यूरिंग द वेल्डिंग। मतलब क्या होता है कि कोई भी वेल्डिंग अगर कोई किसी पोजिशन में कर रहा है तो उसका एंगुलर डेविएशन जो है वो प्लस माइनस 15 डिग्री होगा, उसका जो है कि स्पेसिफाइड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन्स में है, और एंगुलर डेविएशन प्लस